हाय निमिषा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप बताओ मैम, कैसे हो? वेरी वेल, वेरी वेल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू स्पोर्ट्स खबरी। मेरे को पता है आप लोगों का स्केड्यूल बहुत बिजी रहता है, सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। निमिषा, शुरू से शुरू करते हैं। आप कहाँ से हैं, कहाँ जन्म हुआ आपका, परिवार में आपके कौन कौन है? एक्चुअली मेरा बर्थ प्लेस केरला है। केरला से हूँ, मैं बिलोंग करती हूँ। और मेरे घर पे मम्मी पापा, दो दीदी हैं मेरा, और मैं हूँ। हमारा पूरा फैमिली, हम 5 लोग हैं। बस ये है मेरा छोटा फैमिली। सब लोग केरला में ही रहते हैं अभी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, सभी केरला में रहते हो। और एक दीदी आउट ऑफ इंडिया है, वो काम पे। ओके। हाँ अच्छा। सो आपका जन्म केरला में हुआ, स्कूलिंग वगैरह भी केरला से ही हुई, राइट? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो स्कूल में थी आप जब आपको रियलाइज हुआ कि आपको एथलेटिक्स में जाना है? नहीं, एक्चुअली स्कूल में थी तब, 5th में पढ़ती थी। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैं स्पोर्ट्स में, मेरे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं दौड़ती थी, मतलब मेरी स्पीड अच्छी थी। तो मेरे उधर के कोच थे, पीटी कोच थे, तो उन्होंने मतलब मुझे दौड़ते हुए देखी थी। तो एक बार मुझे कहा कि आप मतलब जो है स्पोर्ट्स में आ सकते हो, आपको, आप अच्छे कर सकते हो। फिर मैंने, ओके फाइन, मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ, मेरे को उसमें, मैं एक दिन गए थे ग्राउंड पे, तो मुझे बॉडी कुछ, मतलब बॉडी पॉजिटिव फील हो रहा था। हाँ, मैं उसमें कुछ कर सकती हूँ। मैं उसमें सबसे ज्यादा खुश रहती थी वो करते वक्त। तो फिर मैंने करता गया, और सर जो छोटे छोटे गेम खेलते थे उसमें करता रहा करता रहा। फिर उसके बाद एक दिन सर ने बताया, ऐसे मीट आ रहा है एथलेटिक्स की, आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो? तो मैं बोला, सर मेरे को अच्छी मौका है, पहली बार सिंथेटिक ट्रैक देख रही हूँ, दौड़ रही हूँ, दो मतलब दौड़ते हुए एथलेट्स को देख रही हूँ। मैं बहुत बहुत मतलब एक्साइटेड हुई थी। हाँ, मैं पहली बार एक कॉम्पिटिशन खेलने वाली हूँ। तो उसके बाद ऐसे ही एथलेटिक्स में मतलब ऐसे करता रहा करता रहा। उसके बाद ही मेरे को पैरा के बारे में पता चला, 2017 में, कि पैरा के ऐसे गेम्स होता है, पैरा की पैरा ओलंपिक्स तक होता है। मुझे को उस टाइम पे पता चला कि हाँ। तो उस टाइम पे मुझे एक्चुअली, उस टाइम पे था मुझे गुजरात से ऐसे, उधर पैरा की एकेडमी शुरू हो रहा है, उधर ट्रायल दे सकते हो उधर। फिर मैंने ट्रायल दिया, तो 2017 में उन्होंने मुझे बुलाया साई में, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। तो फिर मैं उधर ज्वाइन किया, अभी उधर ही करते आ रही हूँ। उधर से अभी डेवलप होते होते मैं अभी मतलब मेरा 5 साल हो गया अभी स्पोर्ट्स में, पैरा में, और 5 साल हो गया, मतलब प्रॉपर वर्क करते हुए मुझे 5 साल हो गया स्पोर्ट्स में। अभी करते जा रही हूँ मैम, जितना मतलब, जितना सभी सपोर्ट कर रहे उतना, मैं, मेरे बॉडी जितना साथ दे रहे हो उतना तक मैं करना चाहती हूँ। सो कुछ चैलेंजेस आई एम श्योर, क्योंकि मतलब स्कूल लेवल में उतना अवेयरनेस नहीं होता। जैसे आपने बोला कि 2017 में आपको पता चला कि पैरा एथलीट्स के लिए डिफरेंट कैटेगरीज हैं या पैरा ओलंपिक्स भी होता है, तो उस हिसाब से क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े अवेयरनेस के टर्म्स पे या प्रेपरेशन के टर्म्स पे भी? बिकॉज चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं, राइट? हर एथलीट के अलग चैलेंजेस ही होते हैं, मतलब हर की हाँ जर्नी जी, डिफरेंट बिल्कुल होती है। बिल्कुल, क्योंकि पैरा मतलब नॉर्मल से थोड़ा अलग है, क्योंकि उसमें मतलब बहुत सारे कैटेगरीज होती है। सबसे पहली बात मतलब अपने अपने कैटेगरी पहले पता करना, उसमें क्या क्या इवेंट्स होती है, क्या क्या इवेंट्स नहीं होती है, किस तरह से परफॉर्मेंस देना है। और ऊपर से ये हमारे इंडिया में एक्चुअली पैरा की इतना सपोर्ट नहीं है अभी। अभी एक्चुअली इस 2020 ओलंपिक के बाद, 2021 की ओलंपिक के बाद हमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने लगे। उसके पहले एक्चुअली नहीं थे, इतना सपोर्ट नहीं है जितना अभी मिल रहा है। तो उस टाइम से अच्छा हो रहा है मैम, पैरा की बहुत अच्छा, गवर्नमेंट भी बहुत ही बढ़िया तरीके से हमको सपोर्ट कर रहा है। बट अभी भी चैलेंजेस है पैरा में, कि बहुत सारे एथलेट है अभी भी, हम मतलब पैरा के बारे में पता नहीं है कि उन लोग को ऐसे करियर बना सकते हैं, उनको बिल्कुल नहीं पता। तो मैं कहना चाहती हूँ कि उनको तक ये पहुंचना चाहिए। ऑफकोर्स गर्ल्स को, गर्ल्स को इसमें ज्यादा अवेयरनेस, जैसे विलेज एरिया पे अभी तक नहीं पता पैरा की गेम्स होता है कि नहीं, अभी तक नहीं होते। बट अगर हम ये फील्ड में आ गए ना, फिर अपने आप
सब चीज अभी अभी जैसे गो स्पोर्ट्स है, ओजीकू है, सब बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन है उनको सपोर्ट पूरे तरीके से सपोर्ट कर रहा है कि, बट वो स्टार्टिंग है ना, जो स्टार्ट वो नहीं हो रहा है, मतलब बिल्कुल जो भी एथलीट है, जो गाविरिया में जो एथलीट है उनको वो सपोर्ट, मतलब स्टार्ट नहीं मिल रहा, बाकी सब अच्छा है मैम, मतलब जैसे मेरे मेरे हिसाब से बाकी सब बढ़िया है। अगर एक बार हमको इस बारे में पता चल गया ना, फिर उसके अंदर आने के लिए सब भी सपोर्टिव है, पीसीआई भी अभी बहुत बहुत सपोर्ट कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है हमको सबसे ज्यादा। तो बस ये मेरे ही कहना है कि सब अवेयरनेस होना चाहिए, मतलब सबको पता चलना चाहिए, हाँ पैरा पैरा की गेम्स हो रहा है, बस इतना है मैम, बाकी सब हो रहा है, बाकी सब मतलब अपने आप सब सपोर्ट, सब सपोर्ट कर रहा है हमको सब अच्छे तरीके से। निमिषा, आपने एक बात बोली कि कैटेगरीज डिफरेंट होती हैं पैरा एथलीट्स में भी, सबको कुछ स्पोर्ट अभी भी ऐसे हैं जिसमें पैरा एथलीट्स नहीं पार्टिसिपेट कर सकते या उतना पार्टिसिपेशन ही नहीं है कि उनकी कैटेगरी नहीं बन गई बनी बन पाई है। हाँ ये अभी भी है, मतलब इंडिया में भी बहुत सारे एथलेट ऐसे हैं कि अभी उनकी कैटेगरी नहीं बन रहा, क्योंकि वो भी पीसे के ऊपर है, बट उनको भी एक वो होते हैं ना, लिमिट्स होते हैं ना मैम, इतने एथलेट को इतने टाइम पे लेके जाना है, उनको भी लिमिट्स होती है, मतलब इतने एथलेट को ही लेके जाना पड़ता है, बट पीसे पूरा मतलब पूरा ट्राई कर रहे, जितने हमारे एथलेट हो उतने को मतलब कैटेगरी मिल जाए, उतना हमारा एथलेट आगे बढ़े, इंडिया के नाम रोशन करे अपने लिए, पीसे ट्राई कर रहा है, बट मैं ये मतलब एथलीट एथलीट ये करना चाहिए कि उनकी उसके लिए प्रिपेयर करो कि मतलब कैटेगरी मिलने से कुछ नहीं होता ना मैम, मतलब उसके आगे भी खेलना है हाँ जी, आपको, तो इसी वजह से उस तरीके से एथलीट को भी रेडी होना जरूरी है मेरे हिसाब से मैम। जी। सो निमिषा, अभी आपका ट्रेनिंग स्केड्यूल, अभी आप अपने परिवार से दूर रहती हैं, प्रिपेयर कर रही हैं, वो भी एक मेंटल टोल होता है ना, कभी कभी परिवार की ऑब्वियसली याद आती है। ऑफ कोर्स मैम, बट मैं स्पोर्ट्स के एक्चुअली मैम ये तो है परिवार की याद आती है, बट मेरे ये कहना है कि स्पोर्ट्स मतलब वो जो वर्ड हमारे खून में घुसने के बाद मतलब हमको ऑटोमेटिकली वो चीज आदत हो जाती है, हाँ परिवार से दूर रहना है, मतलब फैमिली से दूर रहने तभी कुछ होगा, हॉस्टल में रहना है, करेक्ट टाइम पे सोना है, करेक्ट टाइम पे खाना खाना है, मतलब जो डाइट के हिसाब से खाना खाना है, तो उसी हिसाब से हम चलने लगते हैं ना, तब परिवार का पता नहीं मैं भूल जाती हूँ, बाकी पता नहीं, बट पैरा की प्लेयर्स को जो मैं बोले एक्सपोर्ट में जो होते हैं मेंटल इश्यूज होते हैं उनके लिए परिवार की सपोर्ट बहुत जरूरी है। जैसे हमारे कैटेगरी 46 कैटेगरी हार्ड पैर की कैटेगरी होती है, उन लोग एडजस्ट कर लेते हैं, बट जैसे पैरा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कोई कोई एक्सीडेंट होने के बाद 35-40 एज में पैरा में आ जाते हैं नॉर्मल के बाद, उन लोग 35 टाइम तक परिवार के साथ रहते हैं, उसके बाद स्पोर्ट्स के लिए अलग होना पड़ता है, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि परिवार से दूर रहना बहुत डिफिकल्ट है मैम, क्योंकि इतना एज होने के बाद परिवार से दूर रहना, उनसे संभालना, किसी किसी को बच्चे भी है तो उनसे दूर रहना तो और डिफिकल्ट है मैम, तो उनके लिए डिफिकल्ट है, हमारे लिए यंग एथलीट को तो बहुत इजी है मेरे हिसाब से, उन लोग 1 महीने और 2 महीने में जल्दी सेट हो जाते हैं। हाँ जी, दैट्स ट्रू। और निमिषा, आपका ट्रेनिंग स्केड्यूल कैसे है? आप अपना अगर दिनचर्या अगर हमें बताएं तो ऊपर से रेस्ट एक्चुअली मैम टाइम को कितना इम्पोर्टेंस देना पड़ता है इन अ ओके स्पोर्ट ओके लाइक हाई जंप? एक्चुअली हमारा मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग एंड इवनिंग सेक्शन रहता है, बट उसमें मतलब मंडे टू सैटरडे रेगुलर वर्क नहीं होती, बीच में हमको एक्टिव रेस्ट भी होते हैं ताकि बॉडी हल्का करने के लिए, क्योंकि शेड्यूल सुबह शाम होती है इसी वजह से उसी हिसाब, और संडे प्रॉपर रेस्ट करना होता है, बट एंजॉयमेंट भी जरूरी है क्योंकि वर्कआउट के अंदर ही रहना मतलब बहुत डिफिकल्ट है, कोई कोई संडे प्रॉपर रेस्ट करना पड़ता है, कोई कोई संडे हम कहीं घूमने जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइंड भी फ्रेश करना जरूरी है मैम, बट रेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है कि बॉडी को जितना हम रेस्ट देंगे उतना रिकवरी फास्ट होगा, उतना उतना परफॉर्मेंस हमारा अच्छा आ जाएंगे, वो बहुत जरूरी है मैम मेरे हिसाब से, इसलिए मैं संडे संडे मुझे बाहर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जिस रेस्ट करना अच्छा लगता है आपको उस दिन। हाँ वो लेस मतलब पूरा रेस्ट कुछ नहीं करना बस बैठे रहना। जी,
दैट्स ट्रू. निमिषा एक चीज मुझे स्पोर्ट्स के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग लगती है कि हर रेस एक नया इवेंट है, एक नई जर्नी है. आप या हर एक इवेंट एक नई जर्नी है, राइट? आप प्रिपेयर कर रहे होते हो, उधर आप जाओ, फिर परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो बहुत अच्छा लगता है ऑफ कोर्स, नहीं अच्छा होता तो इंसान डीमोटिवेट हो जाता है, फिर वापस से शुरू करो. तो ऑफ कोर्स उस एक टाइम के बाद थोड़ा मेंटल हेल्थ भी ऐसे लगता है ना कि मैं क्या कर रही हूँ, या थोड़ा डीमोटिवेटिंग लगता है. तो कैसे आप खुद को प्रिपेयर करते हैं, या कैसे आपको आपके आसपास के लोग सपोर्ट करते हैं ऐसे सिचुएशंस में? मेरे हिसाब से मैम, एक कंपटीशन में हम जीतने के टाइम जो सीखते हैं ना, उससे ज्यादा हम हारने के टाइम सीखते हैं। हारने के बाद बहुत कुछ सीखते हैं हम। जो हमारा गलती है ना, हमको खुद को रियलाइज होता है, हाँ मैंने ये करना है, ये सही करना है, ये सही करना है, ये सही करना है। तो हम कोच नहीं बताना पड़ता, हमको खुद रियलाइज होता है, हाँ मैंने ये गलती की, इसी वजह से मेरे परफॉर्मेंस नहीं आए, मैंने ये मेंटल की स्ट्रॉन्ग नहीं रखा, इसी वजह से मेरे परफॉर्मेंस नहीं आए हैं। और वरना तो ये मैंने इतने इतना जल्दी खाया, मतलब वो मतलब खाने के टाइम पे भी मैंने इतना उस टाइम पे ज्यादा खा लेते, इसी वजह से मेरे पेट दर्द हो, इसी वजह से मुझे जंप नहीं अच्छा कर पाई। मतलब हर चीज में हम छोटे छोटे गलती हमको रियलाइज होते, हाँ मैंने वो क्यों किया, वो क्यों किया, ये क्यों किया। मतलब एथलेट को वो नेगेटिव भी ले सकते, हाँ मैंने वो क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया निमिषा, मैं खुद को मतलब डिमोटिवेट कर सकते हैं। बट मैंने हाँ वो चीज का अगर पॉजिटिव ले लिया, हाँ नेक्स्ट इवेंट में मैंने को इतना नहीं करना, इतना नहीं सोचना, इधर ऐसे ऐसे गलती कर लिया, वो मतलब रिकवरी करके अगर दूसरे गेम पे जाना होता ना, हम उसमें बहुत कुछ सीखता है। अगर जीतने की बात आए, अगर मेरे मेडल आ गया, तो हम बहुत कुछ पॉजिटिव फील कर पाते उस टाइम पे, बहुत कुछ इस हाँ मुझे मेडल मिल गया, मतलब मेरे जो साथ में जो एथलीट है उनकी उनकी वजह से मुझे मेडल मिल गया, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ कॉम्पिटिट किया, इसी वजह से मेरे को हाँ मैं भी खुद अपना जंप कर पाई, बेस्ट उनसे ज्यादा कर पाई। तो उस टाइम पे भी पॉजिटिव, एक्चुअली दोनों में पॉजिटिव है मैम, हम जैसे सोच रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है। मतलब मैं भी बहुत जब पैरोल्पिक की गेम फाइनल ट्रायल हुआ था दिल्ली में, मैं बहुत बहुत डिमांड, मतलब मेरे सिलेक्शन नहीं हुआ था, तब मैं इतना मतलब 1 वीक के लिए मैं किसी से बात कर रही हूँ, मैं बहुत मतलब नीचे गई थी। तब मेरे कोच मुझे समझाया, निमिषा हमारा जो सोच है ना उसके ऊपर डिपेंड है, हम कैसे सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो उसके ऊपर है हमारा सब कुछ चीज, मतलब हर चीज, मतलब कंपटीशन में ना जितना जितने टाइम से हम वर्कआउट करें वो नहीं काम आते, हम जितने माइंड से स्ट्रांग है वहां पे पूरा माइंड की गेम है, पूरा माइंड के ऊपर गेम है, हमारे बॉडी कैसे चलना है, कैसे सोचना है, वो सारे माइंड के ऊपर गेम है। तो तुम डिप्रेशन में जाके कुछ मिलने वाला नहीं है, उसको पॉजिटिव ले लो। तो उसी दिन से मैंने सारे कुछ चीज, हाँ मैंने ये गलती की, इसी वजह से मेरे को ऐसे हुआ, तो इसी वजह से मैं ज्यादा रिकवर कर पाई मैम। उसी के बाद मुझे अभी मैं ज्यादा डेवलप होने के बाद मुझे मेरे पास टॉप स्कीम आ गई, मैं टॉप स्कीम के अंदर आ गई, मतलब इतना नेगेटिव होने के बाद भी मुझे पॉजिटिव वो चीज मिल रहा है जो मिलना चाहिए। तो मैंने सोचा, खुद को सोचा क्यों मैं डिमोटिवेट हूँ, मेरे को जो चीज चाहिए वो मिल भी रहा है, और जो मेरे गलती है वो रिकवरी करते जाओ, जो होना है हो जाएंगे, मैंने ऐसे सोचा भी। निमिषा, आपने जब फर्स्ट टाइम इंडिया को रिप्रेजेंट किया, या आपको जब पता चला कि फर्स्ट टाइम आप इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे, कैसा लगा आपको? और तब जब वो वाली जो जंप थी, उसके पहले क्या चल रहा था आपके दिमाग में? क्योंकि ऑफ कोर्स वो प्रेशर भी होता है, राइट, कि मैं अपनी कंट्री के लिए जा रही हूँ. हाँ वो तो बहुत अलग ही था, मतलब सबसे ज्यादा टेंशन कब हुआ था मैम, जाते वक्त बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं था, पहली बार जो इंडिया की सैंडो मिले ना, मतलब टी शर्ट मिले, तब आई ओ आ मैं इंडिया के लिए खेल रही हूँ, मतलब इंडिया लिखे हुए एक हमारे जो टी शर्ट हमारे पास मिले, तब मुझे रियलाइज हुआ हाँ मैं इंडिया के लिए खेलने वाली हूँ। बहुत प्राउड हुआ था जब ग्राउंड पे जो इंडिया की किट पहन के गई थी, बहुत ही ज्यादा मुझे हाँ मैं इंडिया के लिए खेलने वाली हूँ, बहुत ही ज्यादा प्राउड हुआ था। जब मैं जब इवेंट के टाइम जब ग्राउंड पे गए थे, जब इतना प्रेशर नहीं था मैम, बट उसके बाद मैंने
लास्ट जंग के बाद मुझे रियलाइज हुआ, हाँ मैं इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीती हूँ, मेरे परफॉर्मेंस में मेरे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। तब ऐसे फील हुआ था कि हाँ मैं, बट मैं मतलब पूरे कंप्लीटली मैं कुछ नहीं थी कि बोले कोच बोले कि अभी और बहुत कुछ करना है आगे। तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ हाँ ये मेरे जिस सिर्फ खुशी का स्टार्ट है कि बस गियर डाला है, मुझे अभी गाड़ी और अच्छा चलाना है। तो उस टाइम पे मतलब बड़ी बड़ी अच्छी फीलिंग हुआ था मैम। तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया जो खुशी है, जो हमारी इंडिया की फ्लैग है, वो मैं और आगे तक पहुंचाना है, बहुत ही ज्यादा आगे तक पहुंचाना है। उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया था हाँ ये फीलिंग बहुत फील अच्छा हो रहा था मैम, मेरे को बोला और अच्छा फील मुझे करवाना है, मेरे कोच को भी हो, मेरे को भी हो, मेरे जो साथ वाले सभी को और अच्छा करवाना है, ऐसे सोचे दोस्ती। एंड आई एम श्योर कि वो उस लेवल पे जब आपको गोल्ड मिलता है तो आपके आसपास के लोगों का भी नजरिया आपकी तरफ चेंज हो जाता है ना, कि जो लोग पहले डाउट कर रहे थे कि ये क्या कर रही है, उनको लग रहा होगा कि अच्छा ये ये इतने हाँ इतने बड़े स्केल पे नहीं गोल्ड नहीं जीत के आई एक्चुअली है। है वो चीज है, हमारे जो हम अगर पॉजिटिव फील किसी को दे रहे हो तो उन लोग भी पता नहीं सारे ना मेरे जो आसपास लोगों की बात मेरे को बोलने का जो कैसे हो वो तरीके भी मुझे अलग लग रहा था उस दिन कि हाँ कुछ तो अलग है, मैंने कुछ अलग कर लिया है उस दिन, ऐसे मुझे ऐसा फील हो रहा था उस दिन। निमिषा, आपने अभी बोला पहले कि अवेयरनेस थोड़ी कम है व्हेन इट कम्स टू पैरा एथलीट्स, तो अवेयरनेस एक फ्रंट है जहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट दिखा सकते हैं। उसके अलावा आपको क्या लगता है कि पैरा एथलीट्स के लिए हम कैसे और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं कि और एथलीट्स आगे आएं और तरक्की करें इस रास्ते में? एक्चुअली मैम पैरा के अभी बहुत सारे स्टेट सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारे स्टेट नहीं सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो मुझे ये पहले बात बोल रही हूँ कि जो अपना स्टेट स्टेट में सब चीजों को पैरा की जैसे नॉर्मल के अवेयरनेस हो रहा है कि हाँ उनका गेम्स हो रहा है, नेशनल गेम्स हो रहा है, इतना मतलब वैसे हमारे भी पैरा का भी होता कि लोगों को पता चले कि, बट वैसे न्यूज न्यूज का भी देखो अपने मीडिया का भी देखो, मीडिया में भी मीडिया को भी जाता मीडिया ऐसे चीज है कि दुनिया में हर कोने में पहुंच जाते हैं, मतलब हमारी जो खबर है। तो मीडिया को भी हमारे पैरा को सबसे ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए ताकि हमारा हर चीज हर दुनिया के कोने कोने में, हाँ ऐसे एथलेट है पैरा में, अगर पैरा में कोई खिलाड़ी अपना घर में है, हाँ मेरे बेटी और मेरे बेटा को भी मैं ऐसे बना सकता हूँ, ऐसे बना सकती हूँ, ऐसे मीडिया हमको सबसे ज्यादा सपोर्ट कर सकता है मेरे हिसाब से। क्योंकि मीडिया ऐसे जैसे न्यूज आपको पता है हर दुनिया में हर टीवी में होता है, हर बंदे के फोन में पहुंचाते, तो सोशल मीडिया सबसे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ताकि उन लोग हमारा जो एथलेट को जो घर पे बैठे हुए है घर पे सबको निकाल सकते, घर से निकाल सकते हैं उनको, हम स्पोर्ट्स में ला सकते हैं। वो ये सबसे मेरे को सबसे अच्छा लगता है, ये चीज तो सबसे जरूरी है। और सेंटर गवर्नमेंट तो हमको सपोर्ट ही कर ही तो रहा है मैम, जितना उनसे हो रहा है उतना सबसे बेस्ट दे रहा है, मतलब मोदी जी का सरकार भी हो इतनी अच्छी सपोर्ट कर रहा है हमको। अब मैं अभी देवेंद्र सर, देवेंद्र जजरिया और उनसे पूछता हूँ, मैं हमारा एकेडमी में रहते उनसे पूछता तो कहते कि 2002 में 2012 में तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं थे, हमसे कोई पूछता भी नहीं थे। तो उन्होंने अभी बोलता हमको कितने लोग पूछते हैं, कितने लोग जानते हैं हमसे, तो कितने डेवलप हुआ है मैम पैरा, आप भी सोचो कि मेडल तो मेडल का भी इतना डिफरेंस है। तो यही तो है बस, लोग हमको जानना है बस इतना है, बाकी सब अपने आप हम कर लेंगे, क्योंकि मोटिवेशन तो अपने आप मिल जाएंगे, मतलब हम अच्छे आने के बाद जो फील्ड में हम अपने आप बेस्ट दे रहे हैं तो लोग हमको सपोर्ट देने लगेंगे। बट जानना जरूरी है सबसे ज्यादा, पता नहीं है ना तो कैसे आऊं, तो यही है सबसे इम्पोर्टेंट, यही है ना मेरे हिसाब से। जी निमिषा, अब अगर आप अपनी जर्नी के बारे में सोचती हैं, जब आप स्कूल में थी और आप पहली बार स्पोर्ट्स में आई और अब आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है एंड यू हैव आगे के भी आपके बहुत बड़ी ड्रीम्स हैं, क्या लगता है आपको अपनी जर्नी? कभी कभी बिलीव होता है कि यहाँ तक मैं पहुंच गई हूँ? बिल्कुल नहीं हुआ, ये तो सबसे पहली बात है कि बिल्कुल मतलब पहुंचने का नहीं, ऐसे सोचा नहीं है कि इंडिया के लिए खेलोंगे, कभी नहीं सोचे, मतलब
कभी सोचा नहीं कि मैं सिंथेटिक ट्रैक पे दौड़ूंगी, सिंथेटिक पे मतलब ऐसे भी कभी नहीं सोचा कि डेली सिंथेटिक में जाके मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ अभी, ये तक ही नहीं सोचा। हाँ मैं कभी कभी सिंथेटिक में जाके रनिंग कर लिया तो कर लिया, बस ऐसे नहीं सोचा कि डेली सिंथेटिक ट्रैक पे मैं वर्कआउट करूंगी, जिम करूंगी और मेरे पीछे एक पूरा टीम होंगे, न्यूट्रिशन और मेरे साइकोलॉजिस्ट, सब चीज के लिए अभी मुझे लोग है। हाँ मेरे कुछ भी प्रॉब्लम है कोच को बता दिया, डाइट की प्रॉब्लम है तो मैम को बता, न्यूट्रिशन मैम को बता दिया, ऐसे हर चीज में मेरे को कोई डिफिकल्ट नहीं है। कि अगर एंट्री के लिए हो तो साई सपोर्ट कर रहा है, पीसीए सपोर्ट कर रहा है, तो सब चीजों में लोग है, तो मेरे को मतलब बिल्कुल रियलाइज नहीं होता मैम कि अभी मेरा घर वाले इतने खुश है कि अगर कि कोई डिसीजन लेते हो घर पे पहले पूछते ही नहीं था, अभी पहले मेरे को पूछते थे हाँ करूँ क्या नहीं, ऐसे है। मतलब घर पे भी एक पोजीशन हो गया हमारा, जो भी स्पोर्ट्स में भी हो एक और अच्छा करना है मैम, तो स्पोर्ट्स ऐसा है कि चीज है कि मतलब जितना करो उतना हमको हमारा मन नहीं भरता, हाँ और कर लो कि हाँ और अच्छा हो जाएंगे, ऐसे एक चीज है। जी निमिषा, आपने एक पॉइंट बोला कि न्यूट्रिशनिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी आप लोगों को अब बैक करते हैं, तो अभी भी ना, मतलब अगर आप न्यूज़ रिपोर्ट्स फॉलो करें तो अभी भी काफ़ी स्पोर्ट्स हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही। उनके लिए मतलब क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, कितनी इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी फॉर एन एथलीट, एक साइकोलॉजिस्ट का बहुत होना साथ में? ही ज्यादा मतलब मेरे हिसाब से तो सबसे जरूरी हो है, मैंने बोला था ना आपको कि एक गेम में सबसे कंपटीशन में सबसे इम्पोर्टेंट तो माइंड की खेल है, माइंड मतलब अच्छा रखना मतलब साइकोलॉजिस्ट तो जरूरी है। मतलब ये नहीं है कि हमारे को मेंटली एक प्रॉब्लम है, हमारा मेंटल नॉर्मल मेंटल को स्ट्रोंग करने के लिए हेल्प करते हैं हम लोग, बस इतना है हम लोग कर रहे हैं। कि ऐसे नहीं कि साइकोलॉजिस्ट को सजेस्ट करो, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को मेंटल है, कि उन लोग अपना जो मेंटल नॉर्मल जो हमारे जी मेंटालिटी है उसको उनकी सपोर्ट से और स्ट्रोंग कर सकते हैं हम, इसलिए बस उन लोग अपना सपोर्ट करते हैं। हाँ कि मेरे अंदर जो स्ट्रोंगनेस है उसको बाहर निकालते हैं, बस उन लोग इतना ही काम करते हैं। मतलब अगर हम जब मैं आपने बताया कि जैसे स्पोर्ट्स में अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया तो डिप्रेशन में चले जाते, तब उन लोग काम आते हैं, तब सबसे जरूरी है उनके सपोर्ट। जब मैंने ऐसे किया था तब मैंने मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को प्रेशर आ रहा है, एक दिन मुझे स्पोर्ट्स कर ये प्रैक्टिस यही ग्राउंड यही मतलब ये करते 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 मेरे को मेंटली मतलब ऐसे मतलब मैं एक ही चीज कर रही हूँ हमेशा जिंदगी में, ऐसे मेरे को फील हो रहा था। तभी मेरे को मैंने बोला कि मेरे को साइकोलॉजिस्ट से बात करना बहुत जरूरी है, ताकि मैं बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग कर रही हूँ। तभी मैंने एक साइकोलॉजिस्ट से बात किया, जानकी मैम, एम के मैम, तभी मैम ने मुझे सपोर्ट किया, हमेशा ऐसा कुछ नहीं है कि तुम जो कर रहे हो उसमें थोड़ा लोड आया है तो इसी वजह से, तो मेरे जो अंदर जो जो हैवीनेस भर के रखा था उन्होंने वो काम किया कि नॉर्मल कर दिया कि तुम ठीक है निमिषा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही तो उस टाइम पे उन लोग जो गिरने वाले निमिषा को पकड़ के वापस जो पोजीशन में लाते हैं उन लोग, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा काम करते हैं। साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोर्ट्स मैन, मेरे हिसाब से मैम बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। जी, अनफॉर्चुनेटली अभी भी काफ़ी फेडरेशंस हैं जो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को, सो आई जस्ट होप कि आपकी बात सुन के वो थोड़ा सीरियसनेस से लें इस मुद्दे को। निमिषा, आपसे बात करके ना एक चीज़ जो बहुत एविडेंटली दिख रही है कि आप एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है, मतलब वो बिल्कुल दिख रहा है कि वो एक पॉजिटिविटी पूरी बहुत अच्छे से रेडिएट हो रही है। सो निमिषा, क्या आप हमेशा से ऐसी थी? क्या रिलेशनशिप है आपका यूनिवर्स या भगवान या पॉजिटिविटी के साथ? क्या उसके बारे में आप कुछ बताएंगी? एक्चुअली मैम घर पे जब जाती हूँ ना कि दीदी लोग जब पॉजिटिव मतलब मेरे को पता नहीं, स्पोर्ट्स एक पॉजिटिव चीज है, स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्स में पॉजिटिव चीज से हम आगे बढ़ सकते हैं, हर चीज में हम पॉजिटिव ढूंढो। तभी मैंने बोला ना हारने के टाइम जीतने के टाइम पॉजिटिव जितने ढूंढते हो उतने ही हम हारने के टाइम ढूंढो, तभी हमको परफॉर्मेंस मिलेगा। और मेरे ऊपर से मेरे कोच इतनी पॉजिटिव है, इतनी पॉजिटिव है कि मतलब कुछ भी हो कोई बात नहीं, ऊपर वालों को छोड़ना, मतलब मैं आई ट्रस्ट गॉड, मैं बहुत विश्वास करती हूँ उनके ऊपर कि हर चीज में जब मैं बहुत
जब स्टार्टिंग में मेरे को परफॉर्मेंस नहीं था, मेरे को किसी का सपोर्ट नहीं था, फिनेंशियली मैं बहुत पुअर थी, तभी मैंने कोई बात नहीं, जो जो करी जा रहे उस करते जाओ, तभी उन्होंने मुझे देखा, हाँ ये जो कर रही है अच्छे के लिए कर रही है। तो बोलते हैं ना, हर चीज वेट कर रहे हो उसकी एंडिंग मीठा, मतलब जो अच्छा ही होता है, जितना जितना लंबा हमको भगवान खींच रहे हो, 4 साल परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, हमको इंजरी हो रहा है, बट हम जो कर रहे हैं करते जाओ तो पक्का जो एंडिंग बहुत मीठा होता है, बहुत ही ज्यादा। जैसे मेरे लाइफ में हुआ था कि 2017 से 2020 तक मेरे को कोई सपोर्ट नहीं था, तो 21 में मुझे ओजीक्यू का सपोर्ट मिला अचानक से, मैंने सोचा भी नहीं था हाँ ओजीक्यू मुझे सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल उन्होंने सपोर्ट दिया। उनकी सपोर्ट के बाद मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उसके बाद 2020 में टॉप्स में आ गए, सबसे बड़ी बात, मैंने सोचा ही नहीं था कि, इसलिए बोलो पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो, क्योंकि नेगेटिव रह के हमको कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि मैं नेगेटिव बांट के हमारे जो आसपास के लोग हैं ना, उन लोग ही दूर चले जाएंगे, अगर हम पॉजिटिव सब पॉजिटिव से बात करें, हम सब भी हमसे अट्रैक्ट हो जाएंगे, हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली, हमारा कोच, और हाँ ये अच्छा कर सकती है, उन लोग और एफर्ट डालेंगे हमारे ऊपर कि हाँ मैं वो इतना कर रही है, मैं उससे अच्छा रिसर्च करना है, उसका परफॉर्मेंस के लिए मैं क्या करना है, ये उन लोग सिर्फ स्पोर्ट्स मतलब कोच नहीं है, सब भी सोचेंगे ऐसे, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच जो भी है वो हमारे आसपास काम कर रहे हो, सब भी और अच्छा सोचेंगे हमारे लिए। तो पॉजिटिव रहो, जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव वाइब दे दो सबको, तो हमसे सभी मिलते रहेंगे। बहुत सही बात बताई है आपने निमिषा। सो लास्ट क्वेश्चन निमिषा इज कि आप को जितने भी लोग फॉलो करते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, कोई एक वर्ड ऑफ एडवाइस? क्या बोलूं मैम, बस सिर्फ मेरे लिए नहीं, जो भी हो पैरा की खिलाड़ी हो, जैसे सबको सपोर्ट करो कि उन लोग भी आगे आए, उनको भी मतलब जितना इम्पोर्टेंस हमको जो ओलंपिक को दे रहा है उतना ही इम्पोर्टेंस पैरा ओलंपिक को भी दे दो, और हम इतने मतलब जिधर भी हम कमजोर नहीं है, फिर भी फिजिकली जो वीकनेस है हम वो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके हम गेम कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए हमको सबसे ज्यादा जितना सपोर्ट दे रहे हो उतना सपोर्ट करो, सभी हमको जानने लगो, और मतलब जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, कुछ चीज के लिए रुको मत, बस फैमिली को मत भूलो, जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी मत भूलो, बस आगे बढ़ते रहो सभी। थैंक यू सो मच निमिषा फॉर योर टाइम। अगर आप कुछ और, अगर आपको लग रहा है हमने कुछ मिस आउट कर दिया है या आपको कुछ और ऐड करना है तो प्लीज। एक्चुअली मैम, मेरे को एक छोटी चीज कहना चाहती हूँ मैं, कि पैरा की अभी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है इंडिया में, बट मैं ये कह रही हूँ जैसे व्हीलचेयर में हो, जैसे जो पैर में प्रॉब्लम हो, पैरालाइज हो, उनके लिए मैं एक चीज बहुत जरूरी है मैम, जैसे हम जैसे जो आर्किटेक्चर है उनको कहना चाहती हूँ, उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ, उनके जैसे हम कोई भी बिल्डिंग में जाते हो, मंदिर में जाते हो, आप कभी कभी नोटिस किया होगा सभी जगह पे स्टेप है, आप नोटिस करना मंदिर में तो इतनी स्टेप होगी भगवान को देखने के लिए, उन लोग कैसे जाएंगे बताओ। तो अगर उसके पास में अगर रैंप बनाए हो उन लोग भी, ताकि उनको खुद खुद उन लोग व्हील चेयर चला के मंदिर में चल के भगवान को दर्शन करे, तो जैसे किसी को हेल्प ना मांगते हुए, जैसे ही है अगर कोई होटल में चढ़ना हो कहीं पे भी देखो, अब ऑलमोस्ट जगह पे स्टेप भी है, तो मेरा ये कहना है कि आर्किटेक्चर से हमारे को भी मतलब व्हीलचेयर वालों को भी सोचो, उनको भी मतलब जब आप लोग प्लान बनाते हो तो एक रैम जरूरी बना लिया करो, कि जैसे मैंने अभी जस्ट एक मीडिया में देखा था कि चेन्नई में बीच में उन्होंने रैम बनाया, ताकि सारी व्हीलचेयर की जो प्लेयर्स है उन लोग जो व्हीलचेयर में है उन लोग भी नेचर की जो चीज हम जो चल के जाते हैं एंजॉय करते हैं, उन लोग भी एंजॉय करे, तो वो इतना अच्छा आइडिया है। वैसे ही सारे जगह पे इंडिया में जो भी बिल्डिंग्स हैं, मंदिर है, स्टेडियम है, सारी जगह पे रैंप बनाओ, ताकि उन लोग हमारे जैसा ही किसी का
हेल्प ना मांगते हुए लो खुद काम करे, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि हाँ मैं अलग हूँ। नहीं, ऐसा नहीं लगना चाहिए, मतलब हाँ मैं भी इनके तरह हूँ, ऐसे फील करने के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है मैम। तो या जो आपने ये वीडियो दिखाने वाले हो उनसे मेरा बहुत ज्यादा विनती है, ये सबसे जरूरी है, आप प्लीज उसके बारे में बिल्कुल सोचना, भी जो भी बिल्डिंग बनाने वाले हो, जो भी मंदिर बनाने वाले हो। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली आपने। लोग इंडिपेंडेंट ही फील करते हैं फिर, मतलब हाँ वही, उनको नहीं लगता कि वो किसी पे रिलाई कर रहे हैं और वो इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ जी सकते हैं। वही वही, थैंक यू सो इसलिए मच निमिषा, थैंक यू सो मच निमिषा फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक यू बात मैम, करके। कीप मेरे को भी स्टेइंग बहुत अच्छा पॉजिटिव, कीप स्टेइंग पॉजिटिव एंड पक्का विशिंग पक्का। यू ऑल द आपसे भी बेस्ट। बात करके, नहीं आप जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे को पॉजिटिव फील क्यों निकाल पा रहे, कि आप भी पॉजिटिव हो इसी वजह से। ओके थैंक यू सो मच निमिषा, थैंक यू, गुड लक फॉर थैंक योर यू, फ्यूचर थैंक एंडेवर्स। टेक यू केयर। मैम, थैंक यू।